नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पानी के बारे में कुछ बात करेंगे, क्योंकि पिछले बहुत सारी वीडियोस में खाने के बारे में काफ़ी सारी बातें हुई हैं, लेकिन पानी के बारे में बात नहीं हो पाई। और पानी के बारे में बहुत अलग अलग विचार आते हैं कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कितना पीना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, और ये मेरा खुद के एक्सपीरियंस से भी हैं और कुछ जो स्टडी की है उसके आधार पे भी जो मुझे लगता है कि तर्कसंगत बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहली बात कि पानी अगर सुबह जब आप सोकर जागते हैं, सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए जितना पानी आप पी सकते हैं पीना चाहिए। वो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। इससे एक तो हमारे मुंह की जो लार होती है रात की इकट्ठी हुई, वो हमारे अंदर चली जाती है, वो हमारे हमें फ़ायदा देती है। दूसरा, हमारा पेट अच्छा साफ हो जाता है और डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी की हो जाती है। दूसरी बात, जो अलग अलग लोग बोलते हैं, कोई बोलता है कि 3 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई बोलता है 5 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बहुत कन्फ्यूज़न है इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि इसका एक ही सबसे बेहतरीन तरीका है कि पानी तब पियो जब आपको प्यास लगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम। जब भी हमारे शरीर को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो सिग्नल देता है, जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, और जब प्यास बुझ जाए, संतुष्टि हो जाए, तो पानी पीना बंद कर दीजिए। ये सोचकर कि हमने 3 लीटर जरूर पीना है या 5 लीटर जरूर पीना है, ये बात सब जगह के लिए, हर व्यक्ति के लिए लागू नहीं हो सकती। ये सही बात नहीं है, क्योंकि जो लोग गर्म इलाकों में रहते हैं वहाँ पसीना ज़्यादा आता है, शरीर को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो वहाँ हो सकता है लोग 5 लीटर पानी पी जाएं, बार बार प्यास लगती है, हो सकता है आप 5 से ज़्यादा भी पी जाएं। लेकिन जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, जैसे आजकल यहाँ भी सर्दियाँ हैं, तो प्यास आपको कम लगती है। आमतौर पर आप देखते हैं पूरा पूरा दिन पानी पिया नहीं जाता, तो अगर आपको प्यास नहीं लग रही है तो आपके दिमाग में ये बात बैठी है कि मैंने 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, तो आप ज़बरदस्ती अगर पानी पी रहे हैं, आपके शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे शरीर को, हमारे अंगों को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमारी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उससे हमें नुकसान हो सकता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। इसलिए पानी तभी पिए जब आपको प्यास लगती है, और जितनी प्यास लगती है उतना पिए। हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि जब उसको पानी की ज़रूरत होगी वो मांग लेगा, वो प्यास का सिग्नल देगा और प्यास आपको महसूस होगी और आप पानी पी सकते हैं। अगली बात यह है कि पानी ठंडा पीना चाहिए या गर्म, तो उसके बारे में, चाहे वो पानी है चाहे खाना, कोई भी चीज़ जो हम अंदर लेके जाते हैं खुराक के रूप में, तो ना तो वो बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, ना ही वो बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म होनी चाहिए। इसके पीछे तर्क ये है कि हमारा शरीर, जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पियेंगे या बहुत ज़्यादा ठंडी कोई चीज़ खाएंगे, तो हमारा शरीर पहले उसका टेम्परेचर मेंटेन करेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, तो शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर्दियों में आप थोड़ा पानी को गर्म करें, गुनगुना करके पिए, ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के साथ मैच कर जाए, और गर्मियों में आप सादा पानी पिए, क्योंकि सादे पानी का टेम्परेचर लगभग बॉडी के टेम्परेचर के बराबर होता है। अगर ज़्यादा गर्म पानी है तो उसमें थोड़ा सा ठंडा मिक्स किया जा सकता है, लेकिन चिल्ड वाटर, फ्रिज का पानी पीना नहीं चाहिए, वो डिस्टर्ब करेगा, नुकसान कर सकता है। अगली बात यह है कि पानी हमेशा, जब भी आप खाना खाते हैं, खाने के साथ कभी भी पानी मत पिए। पानी खाना खाने से 1 घंटा पहले पिए या खाना खाने के 1 घंटा बाद पिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जब जाता है तो एक एसिड बनता है जो उस खाने को
डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो एसिड जो है डिल्यूट हो जाता है, तो हमारे डाइजेशन में दिक्कत आती है, हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता। इसलिए कुछ भी खाना जब हम खाते हैं उससे एक घंटा पहले पानी पिए या एक घंटा बाद पानी पिए, खाने के साथ कभी भी पानी मत पिए। जो लोग खाने के साथ पानी पीते हैं उनको गैस, एसिडिटी जैसी, बदहजमी जैसी बहुत सी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तो खाने का और पानी का जो गैप है वो कम से कम एक घंटा आपको रखना चाहिए। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आपको प्यास लगती है उसको टालें ना। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि प्यास लगी हुई है, हम सोचते हैं रुक के कहीं और जाके पी लेंगे या कहीं मतलब ठंडा पानी मिलेगा फिर पी लेंगे। जब भी आपको प्यास लगती है तुरंत आप पानी पीजिए, क्योंकि उस वक्त आपका शरीर पानी की डिमांड कर रहा है, आपके शरीर को पानी की जरूरत है, उस जरूरत को टालिए मत। क्योंकि पानी की जरूरत को और कोई चीज़ पूरा नहीं कर सकती। तो जब भी आपकी बॉडी डिमांड करती है, आपका शरीर डिमांड करता है, जब भी आपको प्यास लगती है पानी पीजिए। कोई भी ऐसा पैरामीटर, कोई पैमाना कि आप 3 लीटर एक दिन में पीजिए या 5 लीटर पीजिए या 2 लीटर पीजिए, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। हर शरीर की अलग अलग ज़रूरत हो सकती है, हर इलाके की अलग अलग ज़रूरत हो सकती है। इसलिए पानी के बारे में इन कुछ बातों का ध्यान आप रखेंगे तो आप सेहतमंद रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो एक बात और है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए। उसके बारे में मुझे लगता है कि इसके पीछे तर्क ये है कि कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं, जो खुराक है हमारी, चाहे वो पानी ही है, अगर हम बैठ के तसल्ली से, आराम से, फोकस करके उस चीज़ पे पीते हैं तो वो हमारे शरीर को ज़्यादा फायदा देती है, अधिक लाभ देती है, अच्छे से डाइजेस्ट होती है। और एक बात, पानी एकदम से मुंह को लगा के गिलास खाली करके ऐसे नहीं पीना चाहिए, पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। जब हम पानी को एक एक घूंट करके पीते हैं तो हमारे मुंह की जो लार होती है, स्लाइवा होता है, वो पानी के साथ घुल के अंदर जाता है और वो स्लाइवा हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करता है। तो कंक्लूजन ये है कि पानी जब प्यास लगे उतना पीजिए, सुबह खाली पेट कोशिश कीजिए जितनी आपकी इच्छा है उतना पानी जरूर पीजिए, और पानी घूंट घूंट करके पीजिए। खाने के साथ पानी मत पीजिए, एक घंटा पहले या एक घंटा बाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइफ डाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपका मन करे तो लाइक कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है 9256213157 92562 13 107। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।